आज एक्सप्लोर कर रहे हैं श्रीनगर। श्रीनगर में बहुत सारी ब्यूटीफुल जगह हैं जहाँ हम विजिट करने वाले हैं। ये पीछे का जो नज़ारा है वो जन्नत से कम नहीं है। ये हम पहुँच चुके हैं चश्मे शाही। That's a ticket counter. अच्छा पानी है, जैसे खा रहा या कुछ वैसा टेस्टलेस नहीं, नॉर्मल होता है। Come on, पी सकते हैं। अच्छा है। अगर आपको यहाँ की ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उसको गूगल कर लो। अभी हम परी महल के गेट के पास, पीछे देख रहे हो, देख रहे हो, सामने से दिखाता हूँ। तो ये डल लेक के सामने है निषाद गार्डन, सामने है निषाद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ये है निषाद मुगल निषाद गार्डन। नेक्स्ट मंथ में होगा, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई इसमें फूल होते हैं। चलो ठीक है, अभी निकलते हैं। इससे बहुत सारे कलर नजर आ रहे हैं और हम यहाँ रुक गए इसलिए, है ना? हाँ, हमें पहले लगा था कि ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, बट ये नेचुरल है। ये नेचुरल फेस है। ये नेचुरल फेस है। यार इस वाले में देखो कितना बड़ा हो रहा है। अभी खड़ा हूँ शंकराचार्य मंदिर में और यहाँ से बहुत ब्यूटीफुल व्यूज नजर आते हैं पूरी कश्मीर के। ना तो मोबाइल अलाउड है, ना ही किसी तरह का कैमरा अलाउड है, कोई भी चीज अलाउड नहीं है। हाँ जी गाइस, सो अभी हम शंकराचार्य मंदिर से होके आए हैं। क्या बताऊं, क्या नजारे थे, अनएक्सप्लेनेबल, अनबीटेबल। ऐसे नजारे मैंने लद्दाख में, पेंगोंग में कहीं नहीं देखे हैं। और व्यू लिया कश्मीर वैली का, सबसे बेस्ट व्यू यहाँ पर कश्मीर वैली का यहाँ से मिलेगा। अगर सिर्फ कश्मीर वैली का व्यू लेना बेस्ट तो शंकराचार्य मंदिर आपको आना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैं बोल चुका हूँ, क्यों रिपीट करके मेरा टाइम खराब करें? क्योंकि वो सब हम काटेंगे और हम हमारा पार्ट रखेंगे। जाना पड़ता और फिर इन्हें आना पड़ता और इन्हें पकड़ना पड़ता, लेकिन उन्होंने रख लिया और हम दोनों साथ में जा पाए। ये लो।